थाना जगदीशपुरा क्षेत्र अंतर्गत खतैना रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब पत्नी के प्रेमी को उसके पति ने चाकू से गोद डाला और चाकू लेकर पति खुद थाना पहुंच गया। इलाज के दौरान प्रेमी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला आनंद नगर गली नंबर 6 का है, जहां थाना जगदीशपुरा क्षेत्र अंतर्गत खतैना रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब गुस्से से बौखलाए पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी पर ताबड़तोड़ चाकुओं से प्रहार कर डाला और मौके से फरार हो गया। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद पति चाकू लेकर खुद थाने पहुंचा, वह भी जख्मी हालत में था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए भर्ती कराया। घायल प्रेमी ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। आपको बता दें कि विनोद की पत्नी सीमा का पड़ोस के रहने वाले बंटू से प्रेम प्रसंग चल रहा था और 7 माह पहले सीमा बंटू के साथ बोतला में किराए के मकान में रहने चली गई थी। उसके बाद जब वह अपने पुराने मकान जगदीशपुर पहुंची तो उसकी खबर उसके पति विनोद को लग गई और विनोद गुस्से से बौखला गया और चाकू लेकर बंटू पर हमला बोल दिया। बंटू को पति विनोद महाराणा सन अवस्था में छोड़कर फरार हो गया और चाकू लेकर सीधे थाना पहुंच गया। पुलिस ने घायल विनोद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय ने बताया कि बंटी और विनोद दोनों पड़ोसी हैं। दोनों के घरों में 50 मीटर की दूरी है, इसलिए मौके पर नियंत्रण बनाने के लिए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हत्याकांड से प्रेमी बंटू के परिजन आक्रोशित हैं। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को थाना जगदीशपुरा को शाम के वक्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति को एक दूसरे अभियुक्त ने चाकू से वार करके घायल कर दिया है और इस सूचना पर तत्काल थाना जगदीशपुरा ने घायल व्यक्ति को अटेंड करते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज पहुँचाया और जहाँ पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अभियुक्त जो घटना कारित करने वाला है उसको चाकू जिस औजार से इसने वार किया था उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का कारण प्रथम दृष्टया व्यक्तिगत विवाद है और ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक का अभियुक्त की पत्नी के साथ कुछ अवैध संबंध था जिसके कारण से आहत होकर अभियुक्त ने इस घटना को कारित किया है। थाना जगदीशपुरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजेंद्र है साहब। राजेंद्र जी, ये कुछ क्या कुछ मामला हुआ है, किसी को कोई काटा गया है, क्या कुछ मामला? मेरे सामने साहब मेरा भतीजा आ रहा था, उसके सामने छुरी लेके आए। कौन लेके आया था छुरी? दो लोग थे साहब, एक चिंगा था एक विनोद था जी। चिंगा भाग गया, उसके मेरे सामने वारदात हुई, उसने छुरी मारते हुए उस कोने से लेकर यहाँ तक वारदात हुई, उसमें बेखुटका हो गया छुरी मारी साहब। अच्छा, किस बात को लेकर छुरी मारी गई है? उसकी मैटर जी था, उसकी घरवाली थी, उनके साथ रह रही थी, उनकी राजी से। अब उसके आज तो कोई मैटर नहीं था, वो मैटर बात का उसने पूछा नहीं, उसने छुरी ला के दे हमला दे हमला। मैंने उससे यही कहा, मैंने देख भाई मैंने छुरी का बोला उससे बात कर ले, उसने कुछ कहा तू कह रहा तू यही मार दूँ। मैंने कि भाई मैं तो दूर हो गया छुरी से, मैंने कि उसने कहा छुरी से तू हटरा नहीं हटरा, मैं हट गया और वो जिसमें छुरी परी मेरे भतीजे के अंदर वो भागता हुआ आया। फिर हम उसके पीछे आए, उसके पीछे आए तो यहाँ तक आए, यहाँ तक उसने पता पड़ी कि यहाँ और दो चार छुरी मार दी और लोग आए उसमें मार के फिर बच के भाग गया साहब। अच्छा, वो मौके से फरार हो गया? हाँ, दो चार लोग भी थे उनके इसके पीछे। क्या कारण बताया जा रहा है, क्या कुछ कारण यही था साहब, उसकी लुआई जो थी उनके मतलब उनके संग देती थी। किसके साथ? जो मेरी भतीजी संग, चिंगे की बीवी, मतलब चिंगे ने विनोद की है, विनोद ने छुरी मारी थी उसकी। अच्छा, विनोद ने जो हाँ छुरी मारी है उसकी बीवी? हाँ, लेकिन चिंगा उसने उसके संग था, चिंगा उसके साथ था। तो छुरी किसने मारी है? विनोद ने। विनोद ने और सबके सामने मारी साहब, और एकदम बेखुटका आ गए, इतनी बड़ी छुरी। कितने कहाँ कहाँ लगी है चोट? उसके पूरे बॉडी में, शरीर में, चेहरे पे, आप ट्रीटमेंट करके वहाँ गले पे, आप हॉस्पिटल जाइए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।